वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सीएम है। कितना है? परिधि को बोलते हैं 2 पाई आर। अब बताइए चतुर्थांश का होता है 1/4 π/π। यस सर। लेकिन बात की आर नहीं के मां परिधि दे लेना। यस सर। 2 पाई आर बराबर 22। आप निकालते हो सर। एक 1/4 स्क्वायर में बैठा दो। ठीक है बिटवा है। यस सर। इसका परिधि 2 पाई आर है। यस सर। इसका मान तो 22 दिया है। यहां से आर का मान निकाल लेंगे। यस सर। आप कहेगा चतुर्थांश निकालेंगे तो कहिए 1/4 π/r² बराबर कितना होता है? 22। कितना होता है? 2 पाई आर। क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई आर है। दिए दे भाई वृत्त है तो परिधि भी करेगा। तो परिधिया का मनवा तो 22 है ना है। यस सर। अब बराबर आज कहा जाता है कि जब तक अंगूठा न कहा जाए तब तक पाई का मान क्या लेता है। यहां से हमें आर का मान निकाल देना है। समझिए 22 लिखेंगे बबुआ 2 अरे पाई का मान आर नहीं दिया है तो कहिएगा भैया कितने बड़े छिपल है ना। यस सर। 22 खत्म। बोलिए अब बिरहा में तो एक बताइए। बोलिए और 2 में गुणा होगा आर का बटे में 7 तो कहेगा 3 मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2r = 7। यस सर। कहेगा r = 7/2 आर चतुर्थांश है बड़े का लिए तो चतुर्थांश ऐसा होता है मेरे भाई और बहन ऐसा होता है पाई भी देंगे। ठीक है 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा यहाँ से बिंदु हो जाएगा। यहाँ से आर का मान तो आपका 7/2 निकल गया है। चतुर्थांश का होता है 1/4 × π। आप समझ गया है एक वृत्त के चतुर्थांश मिल गया ना। लिखा जी वृत्त के चतुर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जब हम बना रहे ना तो हम बोले उतारिए तो आप लोग अपने उतार के बनाए रखो है 1/4 × π/r² बोलो। यस सर। 1/4 अब पाई का मान आर का मान जहाँ जहाँ मेरा हाथ जा रहा था दिखाइएगा 7/2 का² होगा। यस सर। 1/4 × 22/7 7/2 का² का मतलब 7/2 × 7/2 बोलिए। यस सर। तो कहिएगा 7 से 7 खत्म। और 2 11 दुना के 22 अब कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। 11 7 7 4 दुना के 80 में स्क्वायर होगा कि नहीं? यस सर। क्या निकला है वृत्त के चतुर्थांश का क्या लिखा है? क्या लिखा है इसमें? ऐसे मार देंगे।